मॉर्निंग मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर अर्थ शाह है। मैं एमसीएच प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन हूँ। आई एम अ डायरेक्टर ऑफ रिजुआ एस्थेटिका कॉस्मेटिक क्लिनिक एट अहमदाबाद, गुजरात, इंडिया। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू चूज हेयर ट्रांसप्लांट डॉक्टर। आज बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हम हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, हमारा हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक सबसे बेस्ट है इंडिया में, हम इतने नंबर के ग्राफ्ट डाल रहे हैं, हमारा ग्राफ्ट का रेट ये है। पर लोग आज बहुत कंफ्यूजन में है कि एक्चुअल हेयर ट्रांसप्लांट कर कौन सकता है एंड एक्चुअल क्वालिफाइड डॉक्टर कौन है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। आज आयुर्वेदिक डॉक्टर बोल रहे हैं मैं हेयर ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ, होम्योपैथिक डॉक्टर बोल रहे हैं मैं हेयर ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ, दांत का डॉक्टर डेंटिस्ट बोल रहा है मैं हेयर ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ, इवन अनक्वालिफाइड पर्सन की टीम होती है जो गोस्ट टीम बोलते हैं, वो बोल रहे हैं हम हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, ये प्रोसीजर है। तो लोगों के मन में बहुत क्वेश्चंस है और पेशेंट्स हमको बहुत सारे पूछते हैं कि एक्चुअल डॉक्टर कौन है हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए। आइडियली अकॉर्डिंग टू मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया मतलब एमसीआई, वो हाईएस्ट ऑथराइजिंग बॉडी है इंडिया की, जो डिसाइड करती है कि हार्ट की सर्जरी हार्ट सर्जन करते हैं, किडनी की सर्जरी किडनी सर्जन करते हैं, वो प्लास्टिक सर्जन नहीं कर पाते हैं। तो एक आरटीआई में अभी पूछा गया था कि हेयर ट्रांसप्लांट कौन कर सकता है, तो अकॉर्डिंग टू एमसीआई ओनली प्लास्टिक सर्जन और क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट कैन डू हेयर ट्रांसप्लांट, नो अदर डॉक्टर और नो अनक्वालिफाइड पर्सन कैन डू हेयर ट्रांसप्लांट एज इट इज अ सर्जिकल प्रोसीजर। ये हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर नहीं है, ये हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी है। तो ओनली सर्जन कैन डू हेयर ट्रांसप्लांटेशन, नो वन एल्स कैन डू हेयर ट्रांसप्लांटेशन। एमसीएच प्लास्टिक सर्जरी की जो डिग्री है वो 12वीं की एग्जाम के बाद, एमबीबीएस 5.5 साल की हमारी, 5.5 साल की एमबीबीएस की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद 3 साल की हमारी एमएस जनरल सर्जरी की ट्रेनिंग होती है, और उसके बाद 3 साल की एमएस प्लास्टिक सर्जरी की ट्रेनिंग होती है। तो लगभग 12 साल की प्लास्टिक सर्जरी की ट्रेनिंग के होती है जिसमें हमको सर्जरी सिखाई जाती है, और उसके बाद 1 साल या 2 साल की फेलोशिप होती है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, और उसके बाद 13 या 14 साल के अभ्यास के बाद हम लोग प्लास्टिक सर्जन और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन बनते हैं। ऐसे ही कोई 10वीं या 12वीं आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक डॉक्टर या ऐसे ही कोई क्लिनिक बोल दे कि हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, उसका मतलब वो नहीं है हेयर ट्रांसप्लांट वो कर रहे हैं। हेयर ट्रांसप्लांट एक आर्ट है जिसमें रिजल्ट में आप कैसी फ्रंटल हेयरलाइन देते हो, कैसे हेयर की डिरेक्शन देते हो, कैसी नेचुरल डेंसिटी देती हो, कैसे हेयर का रूट्स आप हैंडल करते हो, ये सब चीज मैटर करता है, और वो मैटर खाली और खाली एक सर्जन होता है वो ही अच्छे से ये हैंडल कर सकता है। तो प्लास्टिक सर्जन जो होते हैं दे आर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट फॉर हेयर ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी। बहुत सारे लोग हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, रिजल्ट आ भी जाता है, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं आता है, पर जब कॉम्प्लिकेशन होता है तब कॉम्प्लिकेशन एक सर्जन ही हैंडल कर सकता है। क्योंकि क्या होता है कि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में जनरली 6 to 8 hours की सर्जरी होती है, तो उसमें एनेस्थीसिया देना पड़ता है, कभी भी उसमें पल्स या ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन हो सकता है, कभी भी उसमें कोई सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन, कभी भी घुंड का या कैसा, ये रेयर पॉसिबिलिटी में हो सकता है, 1,000 में 1 या 10,000 में 1 जन को हो सकता है, पर अगर वो हो तो वो हैंडल करने की क्षमता वो डॉक्टर में होनी चाहिए। अगर वो डॉक्टर नहीं है, अगर वो प्लास्टिक सर्जन नहीं है, तो वो हैंडल करने की क्षमता उसकी कम होती है, तब वो कॉम्प्लिकेशन के रूप में आते हैं। और बहुत सारे हमने ऐसे केसेस देखे हैं जब अनक्वालिफाइड पर्सन करते हैं, वो हैदराबाद हो या चेन्नई हो या मुंबई हो, जब अनक्वालिफाइड पर्सन करते हैं तब कॉम्प्लिकेशन कैन हैपन टू एनीवन। सो इट शुड बी ओनली डन विद अ क्वालिफाइड सर्जन, जो, और वो ऐसा भी नहीं है कि खाली प्लास्टिक सर्जन कर सकते हैं। प्लास्टिक सर्जरी में भी जिसने एडवांस उसमें क्वालिफिकेशन लिया हुआ है ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी में, उसके पास ही हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। तो आप कभी भी कोई भी डॉक्टर के पास जाओ, उसकी डिग्री आप देखना चाहो कि वो एमसीएच प्लास्टिक सर्जन है या नहीं है, उसका कितना केस किया गया हुआ है, कितने केसेस किए हुए हैं, और आप उससे डॉक्टर से आप मांगो कि भाई हमको 5-10 डॉक्टर पेशेंट्स के नंबर दो जिससे हम जा सके, जिससे हम पूछ सके कि भाई आपके ये पेशेंट कैसे हैं, वो डॉक्टर के पेशेंट का रिजल्ट कैसे रह रहा है, उसको डायरेक्शन कैसा दिए हुआ, हेल्पलाइन कैसी दी हुई, ये सब देखना जरूरी है। क्योंकि आप आपका खुद का शरीर एक डॉक्टर को दे रहे हो, ये पर ग्राफ्ट या पर रुपए वाला ये सिस्टम नहीं है। आपके शरीर के साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, अभी छेड़खानी ना हो इसीलिए ही ये एजुकेशनल वीडियो हमने बनाया हुआ है कि लोगों में जागरूकता आए और वो जागरूकता से जाने कि ये सर्जरी खाली और खाली क्वालिफाइड डॉक्टर के पास करवानी चाहिए। सो थैंक यू दोस्तों ये सुनने के लिए, थैंक यू सो मच।